बचन गए तो पेटू सारे नच गए। 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी, उस जमाने में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी। इलेक्शन आ जाए भड़ के मारो कि हम जीतेंगे, देखेंगे ये हमारी इतिहादी हुकूमत से कैसे जीते, मैं ऐसा तमाशा इनको दिखाऊंगा क्योंकि हमने डिलीवर किया। वक्त आ गया है कि इल्जाम की सियासत का खात्मा करना होगा। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। पंजाब का नाक नक्शा बदल सकता है तो जरदारी साहब सिंध का नक्शा क्यों बिगड़ा है। एक पार्टी ऐसी है जो हर बार नारे पे इलेक्शन जीतना चाहती है। नून लीग ने कभी डाका नहीं मारा, नून लीग के पैसे कभी स्विट्जरलैंड की अदालतों में या केसेस में चले नून लीग के ऊपर। मैं खुद मैदान में हूँ, हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में, मैं हूँ मारूफ फहद कुरैशी। अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहा है तमाम सियासी जमातों की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। जहां जहां कैंपेन्स की रफ्तार में तेज़ी आई है वहीं सियासी हरीफ एक दूसरे पर तंज व तोहमात के निश्तर भी खूब बरसाने लगे हैं। किसी दौर के संगी जो हैं वो आज एक दूसरे से सियासी इंतकाम लेने के दरपे हैं। इल्ज़ामात की जंग में पीटीआई कुछ मांद जबकि पीपीपी और नून लीग सरगर्म अमल दिखाई देते हैं। कभी तौबा करने का मशवरा देते हैं तो कहीं बब्बर शेर कहकर ललकारा जाता है। सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जबकि नून लीग सिंध का रुख कर रही है। इस सूरत हाल की असल हकीकत क्या है ये आपको बताते हैं। नाज़रीन 2008 के इंतखाबात के बाद से पीपीपी खुद को पंजाब में पुख्ता ना कर पाई। पंजाब की क़यादत मुसलसल मरकजी क़यादत से कहती रही कि मुल्क वापस आएँ, पंजाब पर तवज्जो दें, बिलावल को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाएं, लेकिन क़यादत इलेक्शन के आखिरी साल में आकर कहीं होश के नाखून लेती है और पंजाब का रुख करती है। जो हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में है नून लीग का वही हाल सिंध में है। इलेक्शन जीतने के बाद नून लीग ने अपनी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ही बनाए रखा और इस तरह वो पंजाब की जमात के नाम से मशहूर हो गई। नून लीग के पास इस वक्त नब्स पर हाथ रखने का मौका था लेकिन तब शायद गैर मुल्की दौरे सिंध की तरक्की से ज़्यादा अहम थे। सिंध के बड़े और नामवर सियासतदान जो पीपीपी या पीटीआई से खुश दिखाई नहीं देते थे नून लीग में शामिल हुए, लेकिन इन्हीं बातों की बिना पर नून लीग से बहुत जल्द उन्होंने राहें भी जुदा कर ली। इसी सब में पीटीआई भी किसी से पीछे नहीं है। कहने को तो कराची में एमकेएम के बाद सबसे बड़ी जमात थी लेकिन वो बुलंदोबांग दावे हवा हो गए क्योंकि कोई तंजीम साजी उनकी जानिब से देखने में नहीं आई। इसके अलावा पार्टी में आपसी इंतशार भी बहुत हद तक सामने आया। अब भी मौरूसी सियासत है कि ख़त्म होकर ही नहीं देती है। सियासी टसल को मजीद हवा देने की गर्ज से आप पीपीपी की जानिब से बिलावल जबकि नून लीग की जानिब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अमली तौर पर मैदान सियासत में उतारा जा रहा है। गोया कोई शतरंज का माहिर कोई नए बिसात बिछाने को है। क्या नौजवान चेहरे आ जाने से पाकिस्तान की सियासत में कोई खातिर ख्वाह फर्क पड़ेगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, खानदान तो वही रहेगा, सिर्फ पुख्ता सोच की जगह जवान लहू ले लेगा। असल सवाल यह है कि इन सियासी जमातों ने ऐसे क्या काम किए हैं कि लोग इनको आइंदा इंतखाबात 2018 में वोट देंगे। कल इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का निज़ाम लाने में नाकाम रहे हैं। रोशनियों का शहर कराची एक कूड़ादान का मंजर पेश करता है। जनाब वज़ीर आज़म की बात करें तो वो खुद इल्ज़ामात की जद में हैं और पनामा केस का फैसला भी अगले पीर तक खबरें ये हैं कि मतवक्के हैं। असल मामलात पर ना कोई बात करता है और ना कोई उनके हल के लिए इकदाम उठाता है। आखिर इस मुल्क में जमहूरियत है या शहनशाहियत? क्या हम सवाल उठाने की जसारत कर सकते हैं कि नया खून लाने की जो बातें की जा रही हैं तो उन्हें किस मेरिट की बिना पर लोग वोट दें? पीटीआई खुद इतराफ़ करती है कि जल्दी में हमने गलत लोगों को टिकट दे दिए, तो जब कोई पैमाना ही नहीं है मेरिट का तो ये आवाम किसका इंतखाब करेगी? पाकिस्तान के बुनियादी हकीकी मसाइल को लेकर तीनों बड़ी जमातों के नुमाइंदगान आज मेरे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इन 5 सालों में क्या किया, क्या इसमें कोई तब्दीली लाने में वो कामयाब हो पाए,
या फिर अब भी ये रियासत जमहूरी आमरियत के रास्ते पर गामजन है? और आपको क्यों लगता है कि अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट देंगे और आपको कामयाब करवाएंगे? मैं इन्हीं तीनों पार्टीज के नुमाइंदगान से आज ये सवाल पूछूंगी। अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराते चलूँ। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जी मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का मुस्तफ़ा साहब। इसके अलावा एजाज चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे साथ मौजूद है जी, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्लामाबाद से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आप चूँकि स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बयानबाजी और ये सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो अगले आप लॉन्चिंग करवा रहे हैं अपने लीडर्स की, नौजवान लीडरान की, बिलावल की, ये किस मेरिट के तहत सर पाकिस्तान की आवाम की क़यादत संभालें? देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी शख्स की किसी भी क़यादत संभालने के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में संभालने के लिए उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का एतमाद चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर अगर ये चॉइस करें कि उन्हें बिलावल भुट्टो नहीं चाहिए, उन्हें कोई और चाहिए, तो दे आर फ्री टू मेक दैट चॉइस। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। और अभी आप जो सारे ये वर्कर अपने को चॉइस दी गई सर, वर्कर्स के पास चॉइस क्यों नहीं है? आप उनसे कभी पूछें तो सही। देखें हम अभी अपने तंजीमी अमल से गुजर रहे हैं, साहब को जब सामने लेकर आए गए थे वर्कर्स की ख्वाहिश के मुताबिक, क्यों नहीं जी? देखें जिस क्राइसिस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, उस वक्त इलेक्शनों के अंदर मुल्क जा रहा था, वफाक की बुनियादें हिल गई थी, मोहतरमा का शहादत एक बहुत बड़ा हादसा था, पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी, और उस वक्त मुल्क की सालमियत को सामने रख कर जो फैसले किए गए, सिंध के अंदर तो उस वक्त नारा लग चुका था कि पाकिस्तान ना खपे, हम दूसरी लाश वसूल कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस वक्त जो उन्होंने वहाँ पर स्टांस लिया, वो इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए, वफाक को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के जितने वर्कर्स थे वो उनके साथ खड़े हुए, उन्होंने जो सिंध के अंदर जो रेजिस्टेंस थी उस वक्त, आपका जियाला साहब से ज्यादा अगर किसी दौर में नाराज हुए ना तो वो जरदारी साहब के दौर में हुआ है। लेकिन लेकिन देखें हम इस चीज में कोई हमें वो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त से गुजरी और मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या उस मुश्किल वक्त से गुजरते हुए हम देखें जनरल इलेक्शन भी हारे, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुए वहां पर भी हारे, हम आजाद कश्मीर में भी हारे, हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर फॉल्ट्स थी जिन फॉल्ट्स को दूर करने की जरूरत है। नाराज था ना सर? देखें तो लोगों की नाराजगी यही है, डेमोक्रेटिक चॉइस थी, लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके नतीजे में हमने क्या किया? अगर तो हम इसी तरह बैठे रहते और कुछ ना करते तो इसका मतलब था कि हम कुछ नहीं करें। कमजोरी थी ना, देखिए लोग नहीं पसंद, देखिए गवर्नेंस की जो कमजोरी थी परहैप्स उस पर हम सही तरीके उस तरीके से जिस तरह इलेक्टोरेट डिलीवर हमसे चाहता था कि हम करें, हम नहीं कर सके, लेकिन उसके नतीजे में हमने क्या किया? हमने उसके नतीजे में क्या किया कि पाकिस्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें तोड़ दी, वो ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, पूरे सूबाई क़यादतें जो उन्होंने पूरे तो पाकिस्तान में दी, के मेरिट की ऊपर बात कर रही हूं ना, उसमें कोई ऐसा बंदा वो नहीं लेकर आए कि जिसके ऊपर कोई इल्जाम हो, कोई करप्शन के चार्जेस हो, साफ सुथरे लोग सामने लेकर आए। सिंध के अंदर उन्होंने देखा कि गवर्नेंस के हवाले से काफी हम पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो वहां पर वो तब्दीली लेके आए, मुराद अली शाह एक एनर्जेटिक, मुराद अली शाह साहब वो हॉल तो बंद करवाने से रहे 10 बजे तक, वो सारे उन्होंने बातें आकर शुरू में की थी, कायम अली शाह साहब के जाने के बाद उसके बाद वो सारे दावे हवा हो गए। गवर्नेंस के हवाले से लोगों को बहुत सी शिकायत होती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन शिकायत को दूर करना भी तो आखिर हमारी जिम्मेदारी है। मेरिट का आपने जवाब नहीं दिया, और अगर हम नहीं करेंगे, सवाल का जवाब नहीं दिया, और अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो आखिर पीपल आर फ्री टू चूज। चलिए आपने कहा कि आपका वर्कर्स जो है वो उनके ऊपर है, वो बिलावल को मुंतखब करते हैं सारा आंखों पर, लेकिन मेरिट बता दीजिए ना, आपने बिलावल के साथ और क्या चॉइस दी उनको? देखिये बिलावल साहब को अगर आप उनकी पर्सनैलिटी कंपेयर करें, एजुकेशन के हवाले से देखें, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, दुनिया के सबसे बेहतरीन तालीमी दरसगाह से वो तालीम उन्होंने हासिल की है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है, और वो पॉलिटिकल लेगेसी ऐसी है कि जो सर शाहनवाज भुट्टो से शुरू होती है और अब उन पर आकर वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल एक प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसको लेकर उन्होंने चलना है, जेन्युइनली अपनी आउटलुक में सेक्युलर तो, सोच रखने वाले लेफ्ट ऑफ द सेंटर। आज भी आप मुझे बताइए और एग्जाम्पल आगे आपको और एग्जाम्पल कि हमारी सोच के मुताबिक आज भी पाकिस्तान में कौन है जो स्टेज पर खड़े होकर आसिया बीबी की बात कर सके? कोई है? अगर देखें उनके अंदर ये अपनी उस सोच के साथ कमिटमेंट ना होती, आज भी लिबरलिज्म की प्रोग्रेसिव की जिस तरह तालिबानों को उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है तो आप बताएं किसी और ने किया? यहाँ पर तो लोग दबे लफ्जों बातें नहीं करते, ठीक है फेयर इनफ। एजाज चौधरी साहब क्या मेरिट देखते हैं आप बिलावल और मरियम नवाज साहिबा का? पाकिस्तान तरीके साफ तब्दीली के अलम्बरदार जमात, लेकिन ये देखें दोनों अब ये आपके मुकाबले में ना नौजवान कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं जरा मेरिट के ऊपर बात करना चाहूंगी, किस मेरिट के तहत इनको सामने लाया जा रहा है? सर जी बहुत शुक्रिया मारुख। जहाँ तक तो किस नौजवानों के सियासत में आने का और जिसके अंदर कायदाना सलाहियत हो
उसे सामने आने का पूरा मौका देना चाहिए और ये उनका हक भी बनता है। इसी हवाले से मैं तो हमेशा कहा है कि बिलावल को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अगर आप मेरिट तलाश करेंगी तो ये दोनों ही बड़ी जो जमातें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, ये मौरूसियत का शिकार हैं। इनके हाँ कभी हो ही नहीं सकता कि कोई आम आदमी, गरीब आदमी या कोई ऐसा फ़र्द कि जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से आगे आ सकता हो वो किसी मेन उसके ऊपर आ जाए। ये यानी आप जब से जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर और आज तक देख लें, एक ही लाइन है, एक ही कौम है और एक ही नस्ल है, वही उसी को लोग ये समझते हैं। और माशाल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दूर की कौड़ियाँ ला के उन्हें ही अहल साबित करते हैं, यानी ना कोई इंतखाब, ना कोई क्राइटेरिया, सिर्फ मौरूसियत। चुनाचे ये भी एक बादशाहत की दूसरी किस्म है। इसी तरह आप देख लीजिए नून में कि पूरा शरीफ ख़ानदान, कोई 18 लोग हैं जो इस वक्त भी उनके मुख्तलिफ सरकारी अहदों के ऊपर बराजमान हैं, जो एक ही फैमिली के लोग हैं, और उनके पास भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वाले, यानी 30-30, 40-40 साल तक जद्दोजहद करने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर भी बाप के बाद भाई है, भाई ना हो तो बेटा है, बेटा ना हो तो बेटी है, बेटी ना हो तो दामाद है, दामाद ना हो तो बहू है। ये एक पाकिस्तान की सियासत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये आज से नहीं है, जब से यानी पाकिस्तान बना और इब्तदाई चंद सालों को छोड़ के सब पूरी जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, ये मैं यही कहना चाह रही थी, लोग अपने आप को जितने यानी पढ़े लिखे लोग जितनी सरमायादारों और जागीरदारों की यहाँ पर वकालत करते हैं, मुझे उनके ऊपर हैरत है। मुझे ये समझ नहीं आती भाई, मसलन आप मेरे ऊपर तनकीद करना चाहती हैं ना कि कुछ जागीरदार और सरमायादार मेरे साथ हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं उनकी कभी भी वकालत नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि तहरीके इंसाफ बनाई इसलिए गई थी कि ये आम आदमी की सियासी जमात हो, तो आप, और आप आम आदमी को प्रमोट करे, उसी को सामने लेकर आए। गलत फैसला ये, लेफ्ट राइट में जो उन्होंने सरमायादारों को खड़ा किया है वो गलत कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरा ख्याल है जो मैंने कह दिया है ना मारुख, वो आपके लिए भी काफ़ी है और सुनने वालों के लिए भी काफ़ी है। अलबत्ता इमरान खान का दूसरी किसी पार्टी से कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि हम मुसलसल इंतखाबात से गुजरते हैं, और मेरे जैसा एक फ़कीर आदमी भी उसकी बड़े सूबे का सदर बन सकता है, यानी कारकुनान के नतीजे में ऊपर आते हैं लोग। इसलिए मैं आपसे समझता हूँ कि एक यानी नस्बतन नई पार्टी और दो बड़ी पार्टियां जिनके पास इख्तदार रहा है, जो बड़ी फिलॉसफी के तहत बातें करते हैं कि जनाब हम सेकुलर हैं, हम आसिया के बारे में बात कर सकते हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि उन्होंने किस तरह की लीडरशिप को मुंतखब किया है। ठीक है, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सर मरियम नवाज साहिबा किस मेरिट के ऊपर पूरा उतरती हैं कि वो आइंदा इंतखाबात भी लड़ें, और ये भी खबर सुनने में आ रही है कि मुस्तकबिल की जो PMLN की कमान है वो संभालेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है पंजाब में अभी तक आप लोग स्ट्रांग हैं, ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो मुस्तकबिल की वजीर आजम भी हों। किस मेरिट के तहत ये मौरूसी सियासत, ये नौजवान चेहरे, क्या तब्दीली आएगी सर पाकिस्तान में? देखिए जी, पाकिस्तान और ये जो हमारा पूरी जो रीजन है जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, ये ममालिक जो है इसके बीच में जो लेगेसी है वो बड़ी काउंट करती है। प्रैक्टिकल अगर हो जाए ना, एकेडमिक डिस्कशन को एक तरफ रख दें कि मेरिट क्या बनता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करें तो इस खिते की जो सियासत है उसके बीच में लेगेसीज हमेशा काउंट करती हैं। अगर आप कांग्रेस को उठा के देख लें तो वहाँ पर सोनिया गांधी, राजीव, ये आपको नजर आएंगे, लेकिन अब आप देखें बीजेपी क्यों उनसे बेहतर हो गई, क्योंकि अब बात एक बीच में आ रही है परफॉर्मेंस की। अब बिलावल जो है या मरियम नवाज साहिबा जो है, इनको पार्टी जो है वो इस नज़र से ज़रूर देखती है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब परफॉर्मेंस के अगर ऊपर आप चले जाएं तो परफॉर्मेंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों की पॉलिटिकल स्ट्रगल्स क्या हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल इमरान खान PTI पे भी मैं आऊँगा, लेकिन अगर आप PMLN को देख लें तो इनकी मरियम नवाज साहिबा की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है जब इनके वालिद साहब के खिलाफ मुशर्रफ ने इकदाम किए, 12 अक्टूबर हुआ, उसके बाद इन्होंने 6-7 साल एक क्राइसिस का दौर देखा, एक बुरा दौर देखा, उस बुरे दौर में से ये गुजर के आई, उस पूरे प्रोसेस को इन्होंने जवाल देखा, इन्होंने गलियां सड़कों पे भी गए, एहतजाज भी किया, एक रैली भी चलाई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया, बाहर जिस तरह से गए वो पूरे प्रोसेस में से फिर बाहर से दोबारा पाकिस्तान वापस आए,
तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस था जिसमें से हम समझते हैं कि एज अ पॉलिटिकल एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स वो सारे अमल में से गुजरी हैं। और उसके बाद फिर जब आके उन्होंने बैक फुट पे रह के अपने वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन्स को किस तरह से मैनेज किया सोशल मीडिया के थ्रू, पाकिस्तान में पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे डिपेंड करती है, 60% यूथ पॉपुलेशन को उन्होंने पहली दफा ऑर्गेनिक, ये भी नहीं कि इनऑर्गेनिक और फेक आईडीज, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स को उन्होंने सोशल मीडिया के मीडियम के जरिए मेन स्ट्रीम लाइन पॉलिटिक्स में लेकर आए। और यहां पे हम बात कर रहे हैं 60% मेजर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की, इससे पहले पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो हमारा यूथ था उसके सेगमेंट को इतने बड़े को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में लाने के लिए मेन स्ट्रीम लाइन पॉलिटिक्स में लाने के लिए, वो तो इमरान खान साहब के मुकाबले में लाए ना, वो तो इमरान खान साहब की जो ब्रिगेड है उसके मुकाबले में जरूरी था ना ऐसा करना। देखिए मेरी बात सुने ना, वो लाइन अभी 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 मैं मुझे मुझे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा ना, मुझे आप पहले बात खत्म, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि दूसरी आप बात ये देख लें कि दूसरा उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के जो धरना हुआ, धरने के दौरान फिर जो भी हम पे इल्जामात लगे उसके बीच में बैठ के उन्होंने अपने मीडिया को मैनेज करने की एक एफर्ट की, उन्होंने एक अच्छी मीडिया पॉलिसी बनाई। ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो मीडिया को लुक आफ्टर करती है क्योंकि इसके ऊपर तो हमेशा डिनायल आता रहा है। बैरिस्टर साहब आप ये तस्लीम नहीं, बैरिस्टर साहब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो मीडिया को कंट्रोल करती थी, बैरिस्टर साहब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो मीडिया विंग चलाती है या कंट्रोल करती है क्योंकि इसके ऊपर आप लोग इधर से हमेशा तर्दीद हुई है। आप एक तो बात ये है ना, मैं मेरी बात गौर से सुने, ये कह रहा हूं कि मीडिया को मैनेज करना, आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल बना होता है, आपका हर कैंडिडेट का मीडिया सेल बना हुआ है। आप लोग तो डिनाई करते हैं इस बात को, तो आप तो मानते ही नहीं कि मरियम साहिबा जो है मीडिया इज द फिफ्थ पिलर, आप तो मानते ही नहीं थे। नहीं नहीं आप मेरी बात से, मीडिया इज द फिफ्थ पिलर, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को रिलैक्स लेती है, मीडिया को सीरियसली नहीं लेती, नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या मरियम नवाज साहिबा को स्पेशल मीडिया विंग ऑपरेट करती है? पीएम हाउस में मीडिया को देखती हैं, क्यों नहीं देखती? बिल्कुल देखती हैं, वो पार्टी की पॉलिसी को, पार्टी के मैनिफेस्टो को देखती हैं, और वो ये देखते हैं कि जो पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बातें कमिट की हैं इलेक्शन से पहले, मीडिया हमारी उन चीजों को किस तरह देख रहा है। बिल्कुल मेरा राइट है, मैं देखूंगा, मैं अपनी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, मेरी लीडरशिप की जो कमिटमेंट्स हैं, मैं वो देखूंगा कि हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और अभी इस वक्त आप ये देखें कि अगर हम असल इशू से हट जाएं, हम आपको लेके चले जाएं कि पाकिस्तान में पनामा 1 हुआ, पनामा 2 हुआ, पनामा 3 हुआ, पाकिस्तान में आप देखें कि सोशल इश्यूज के ऊपर बात करने वाला तो कोई बंदा ही नहीं है। अगर हम मीडिया को इस तरफ नहीं डाइवर्ट करेंगे कि सोशल इश्यूज पे मीडिया बात करना, यही तो हम कहते हैं जिस तरह भी आपने पढ़ी है, पनामा से इशू को डाइवर्ट करने के लिए इशू पे इशू लेकर आते हैं। अच्छा बेस्ट साहब एक मिनट दीजिएगा, जरा मैं पीपल्स पार्टी की जानिब आऊंगी, पीपल्स पार्टी इशू पे तो लेकर आप लोग आते हैं, हम तो यही गुजारिश करें कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सिमत दे, पनामा को इशू नहीं है, मीडिया को अगर हम बिल्कुल ही एक सेकंड खुला छोड़ दें तो मीडिया तो आपको पता है कि दिन रात। लेकिन मुझे ये भी बताइए ना कि अब ये इशू जो पनामा की बात हो रही है ना, खोकर साहब सारा क्रेडिट तो तरीके इंसाफ लेके जाएगी, केस उन्होंने फाइल किया, हाजिरियां इमरान खान साहब ने लगाई, सब कुछ तो वो कर रहे हैं, आप लोग तो अदालत तक नहीं गए, आधे लोग आपके आधे आधे लोग, फैसला इनके खिलाफ सारा क्रेडिट पीटीआई लेके जाएगी सर। अगर फैसला इनके खिलाफ आए फिर नहीं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली अजम्पशंस आप नहीं बना सकते, क्लीन चिट तो नहीं मिलने जा रही ना। लेकिन इसमें मैं इतना अर्ज करूंगा कि हमने पीटीआई में अपने दोस्तों को यह जरूर समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ग्रीवेंसेस हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से कभी इंसाफ नहीं मिला और ना हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी नवाज शरीफ के खिलाफ या उनके खानदान के खिलाफ फैसला देगी। हमने कैटेगोरिकली, हमारा शुरू से ये इसका आंसर है, हमने इनको भी समझाया, हमने उस वक्त टीओआरएस कमेटी में जब हम बैठे उस वक्त भी हमने ये बताया कि इस लॉ को पास करके इनके गिरद घेरा तंग करके इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ आप रिलाई ना करें। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है कि जो जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली के ऊपर इतने इल्जामात हैं और वहां पर आज तक उन्हें तलब नहीं किया गया। आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को इन्होंने चुटकी में बजाते ही निकाल दिया, गुजरात को वहां पर खड़ा करके रखे थे, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में गए थे, अभी यहां पे कोई कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुई है, सबूत मौजूद नहीं है, शवाहिद रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, सबूत मौजूद है, कमीशन बना नहीं है, बफर से माल सबूत मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबूत मौजूद नहीं है तो बुला के पूछे तो सही कि ये इतनी बार दुनिया में आपके खिलाफ इल्जामात आए हैं, एफबीआर इन्वेस्टिगेट आपको कर नहीं सका, नायब आपको इन्वेस्टिगेट हुए ना अपने वकील के थ्रू, तो फिर ये काम तो हम भी कर सकते थे। हमारा एक वजीर, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे एक वजीर बाबर रवान साहब, उन्होंने वहां पर खड़े होकर कह दिया कि नोटिस मिला कब नहीं मिला, 3 साल के लिए उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। फिर इसी तरह इरफान कादर हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उनका लाइसेंस
انہوں نے معطل کر دیا. ایک ویزیبلی لیکن میری بات سنیے سر, آپ افتخار چودھری کے دور کو آپ پوری عدلیہ کے اوپر نہیں استعمال کر سکتے نا, افتخار چودھری کے دور سے افتخار چودھری کے دور سے آپ نکل جائیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ سر وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا, وہ بھی ایک ریجیم تھی. یہ ہمیشہ فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کیوں کرتی ہے؟ سپریم کورٹ میں کوئی ہمارا انوالوڈ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوشنل گریونسز ہیں, ہم ان انسٹیٹیوشنل گریونسز کو ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن ہے. زرداری صاحب کو کتنی کلین چٹس ملی مجھے یہ بتا دینا, کتنے نیب اور یہ وہی ادارے جنہوں نے آپ کو اتنے کیسز معاف بھی کیے ہیں سر؟ کون سے سپریم کورٹ؟ اچھا ایک سیکنڈ بیرسٹر صاحب, مجھے ایک سوال ذرا بیرسٹر صاحب, ایک سیکنڈ, کھوکر صاحب آپ کے ابھی مجھے یہ بتائیے, کل چانڈیو صاحب کہتے ہیں کوئی غیبی قوت ہے جو وزیراعظم کا احتساب نہیں ہونے دیتی؟ سر پانچ سال دور اقتدار آپ کا جو پیچھے رہا اس میں وہ غیبی قوت آپ ہی نہیں تھے, آپ کے زرداری صاحب ہی نہیں تھے جنہوں نے کوئی احتساب نہیں ہونے دیا؟ غیبی قوت عدالتوں سے آپ کو اعتراض ہے, غیبی قوت آپ تو بات تو ثابت ہوگی نا. حامد سعید کاظمی کا آپ کیس اٹھا کر دیکھ لیں, سات سال اس شخص کے افتخار چودھری صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا, نوٹس لینے کے بعد ان کی جو ان کی جاگرسائی کی, ان کے پولیٹیکل کیریئر کو داغ لگایا, سات سال بعد وہ بندہ ایکویٹ ہو جاتا ہے. افتخار چودھری صاحب کا تو ویزیبلی ہمارے ساتھ ہر روز انہوں نے ہمیں کورٹ میں ٹھہرایا ہوتا تھا, ان کا ایک ویزیبلی بائس ایٹیٹیوڈ تھا, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ساری دنیا آپ کو مانتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آج آپ کے موجودہ دور کی عدالتوں کے اوپر آپ اس طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار کریں سر؟ ہم ایز ان انسٹیٹیوشن ہماری گریونسز ہیں, ہم یہ بات کہنے سے گھبراتے ہی نہیں ہیں کہ پناما کا فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف نہیں آئے گا. ویل بی شاکڈ کہ اگر آ جاتا ہے, ویل بی شاکڈ کہ اگر ان کے خلاف آتا ہے. یہی تو بات ہم اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھاتے رہے ہیں. چلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اسی گفتگو کو ذرا آگے بھی بڑھائیں. الیکشن ریٹورکس جو ان کے سامنے آ رہے ہیں اس پر بھی ذرا بات کریں گے. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں, انہوں نے اس پانچ سال میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کی کیا پرفارمنس رہی؟ ذرا اس پر میں بات کروں گی. اعجاز چودھری صاحب کی جانب سب سے پہلے آؤں گی. اعجاز چودھری صاحب, اگر یہ پیناما کا ڈیسیزن یا پیناما جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو خدائی امداد ہے, یہ نہ ہوا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کس بنیاد پر اپنے ووٹرز سے یا پاکستانیوں سے ووٹ طلب کر رہی ہوتی؟ کیا پرفارمنس مجموعی طور پر آپ اپنی دیکھتے ہیں؟ کیوں 2018 کے اندر ایک عام آدمی پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گا؟ معروف ہے, ایک تو ہم شہر اقتدار سے بہت دور بیٹھے ہیں, دوسرا آپ مجھے تو وقت ہی آپ نے جو نہیں سر اب سارا ٹائم آپ کا دیا, اب آپ مجھے ذرا مہربانی کر کے تو دو تین باتیں پچھلے وقفے میں جو ہوئی ہیں وہ کہہ لینے دیں, اس کے بعد میں کارکردگی کے اوپر بھی آپ سے بات کرتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی پی ایم ایل این کے لیڈر نے محسن شاہ رواز رانجا نے سیاسی جدوجہد کے بارے میں سمجھا ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور مریم صاحبہ کی شان میں ایک قصیدہ انہوں نے پڑھ دیا ہے. یہ مشرف کے دور کو کہتے ہیں, مشرف کے ساتھ یہ بڑا یعنی پرامن اور خوبصورت معاہدہ کر کے یہاں سے تشریف لے گئے تھے, اور جس طرح کی زندگی انہوں نے ادھر پیلس میں جدہ گزاری ہے اور لندن میں گزاری ہے وہ ان کو نہیں پتہ, مجھے پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں, کبھی گرم ہوا ان کو نہیں لبھی, کبھی یہ ایسے پانی سے ان کا دو چار نہیں ہوا جو 85% لوگ پاکستان کے پیتے ہیں. ان کے تن کے اوپر پورے زرق برق لباس ہوتے ہیں, ان کی آل اولاد کی جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو منو میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, یہ زیورات سے لدے پھندے ہوتے ہیں, یہ ہوائی جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں, اور یہ اس ملک کی غریب ملک کے نمائندے کے طور پہ ساری دنیا کے اندر گھومتے ہیں, انہیں کیا پتہ ہے سیاسی جدوجہد کیا ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک طرف سپریم کورٹ سے کوئی توقع نہیں ہے ہمارے بھائی کو کھوکر صاحب کو, لیکن حامد سعید کاظمی کو انہوں نے رہا کروا لیا وہاں سے. یہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے کنفیوز ہے پیناما کے ایشو پہ, وجہ کیا ہے؟ ان کے خلاف یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سی او ڈی ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کی کرپشن کے اوپر ہم صرف باتیں کریں گے, عملی اقدام کوئی نہیں کریں گے. آج بھی چودھری نثار نے کہا کہ 500 ارب روپے کا گبن کیا ہوا ہے زرداری نے, لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. پانچ سال ان کے گزر گئے, چار سال ان کے گزر گئے, اور یہ وہ معاہدہ انہوں نے تازہ پتہ کب کیا تھا؟ جب جاتی عمرہ میں 70 خانے تناول فرمائے تھے زرداری صاحب نے. اب آ جاتے ہیں کارکردگی کے اوپر. تحریک انصاف کی جو سیاسی جد و جہد تھی نا, اس کا کوئی مقابلہ نہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا,
और इन चार सालों के अंदर हमने वोट के तकद्दस के ऊपर एक जानदार मुहिम चलाई चौधरी साहब, आप पारा से सीटी बजी और लोगों को बताया कि अगर आपका हकीकी सियासी अगर आपका वोट तो ये चोरी करते हैं तो आपको अंपायर की यानी आप हकीकी नुमाइंदे मुंतखब करके असेंबली में नहीं भेज सकते। चौधरी साहब ये खोखर साहब कह रहे हैं आप पारा से सीटी बजी और आप मैदान में उतरे, हकीकी जद्दोजहद थी तो क्या जरूरत थी? मैं खोखर साहब को बता देता हूँ, ये आप पारा से सीटी ये तो आंख के इशारे से कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमने बाकायदा 126 दिन धरना दिया और पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे किए, हमने जलसे किए और इसके अलावा हमने उस कैंपेन को यहां तक लेके आए कि जिसके ऊपर बड़ी बगलें बजाते हैं ना नून लीग वाले, जो जुडिशियल कमीशन का फैसला हुआ 42 पॉइंट लिखे जुडिशियल कमीशन ने और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ये कमियां और कोताहियां जो आज तक खत्म नहीं हो सकी, जो आप किससे बात ताल्लुक नहीं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हौसला करें, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, इतना ज्यादा बोल रहे मुझे बात तो कर रहे ना, अभी दोनों बोलना शुरू हो गए, दोनों बोलना शुरू हो जाते हैं, बालके रहे खुदा का खौफ, एक लम्हा तो जरा बात करने देना, उसके बाद आ गया पैनामा, ठीक है बिल्कुल अल्लाह लेकर आए, अल्लाह ने सुओ मोटो लिया इस कौम के हाथ में और वो पैनामा ये था जो गुर्बत अफलास महंगाई बेरोजगारी अस्पतालों का ना होना तालीम का ना होना करप्शन सबाब उसका करप्शन है। हमने ये किया, दो तीन सवाल ये है तरीके नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दे देना बैरिस्टर साहब पहले मुझे ये बता देना कि आप 2018 में क्या समझते हैं, क्या ऐसा तीर मारा है पीएमएलएन ने, हुकूमत वक्त ने कि हम आपको वोट करें, अवाम आपको वोट करे। कराची प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तब सिंध तब जाते हैं सर, इलेक्शन के आखिरी साल में गैर मुल्की दौरे सैकड़ों बीसियों कर लेते हैं, सिंध नजरअंदाज करते हैं, पंजाब की जमात आप बन के रह गए हैं, कहीं और आपका फोकस नहीं है मां सिवाय पंजाब के, क्यों वोट करेगा सर पाकिस्तान आपको? देखें जो आप बात करें ना मारुख, इससे अगर हट के आप परफॉर्मेंस पे बात करती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि आपकी कारकर्दगी क्या है। अगर आप आ जाए एनर्जी के सेक्टर पे, पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन हारी थी उसकी मेन जो वजह थी वो थी एनर्जी, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, और बिजली जो फराहम नहीं कर सके थे आप अभी देख लें, हम तो 2017 के बीच में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया है कि 8000 और फिर 16000 मेगावाट इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की बिजली जो है वो हमारे रिजर्व में आ जाएगी, और हम ये दावा अब करना शुरू हो गए कि 2018 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम बिजली का क्राइसिस जो है वो खत्म कर देंगे। अब आप देख लें कि हमारे जो नेशनल रिजर्व हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, वो तीन गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, जब कर्जा लेंगे तो रिजर्व्स बढ़ेंगे ही ना, तीन गुना जो रिजर्व है वो ऊपर चले गए, कर्जा लेने से बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट में। अब मारुख मुझे सुनने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी आई है, 41 बिलियन यूएस डॉलर तो सिर्फ आपका सीपैक के अंदर आया है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पे किया वो तो जरदारी साहब ने शुरू किया था सीपैक, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की अब जो रेटिंग्स है वो तो बहुत बेहतर चलेगी है। कुछ ये देखे कि जो पहले का पाकिस्तान था 2013 का और जो 2018 का पाकिस्तान है वो कहां पे खड़ा हुआ है, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं, जैसे जैसे सीपैक मेच्योर हो रहा है उस तरह से यूरोप की जो कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान में एसोसिएटेड बिजनेसेस जहां से वो इनकम कमा सकते हैं वो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो रहे हैं, एनर्जी का क्राइसिस रिजॉल्व हो गया है, मोटरवेज बन रही है, तो हम तो समझते हैं कि हम परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जब 2018 में जाएंगे आवाम के अंदर तो हम तो बिल्कुल पोजिशन सिंध में क्यों नहीं है सर ये परफॉर्मेंस, आप विफाक थे आप सौतेलों जैसा सुलूक क्यों किया दीगर सूबों के साथ? मैं आपको बताता हूं ना, सिंध में केपी के देखिए जो मोटरवे आपको लाहौर से कराची जाती हुई मोटरवे नजर नहीं आ रही सर, उस मोटरवे की बुनियाद के ऊपर कितनी दफा वोट मांगेंगे से वो प्रोजेक्ट बनाया है, कितने वोट मांगेंगे उस प्रोजेक्ट को, तो आप इस तरह अपनी आंखों से ओझल कर देती हैं कि जिस तरह कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, ग्रीन बस तो कराची शहर के लिए दी गई है, उसके अलावा पता नहीं कितने और वहाँ पे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ रांझा साहब, ये कराची का कचरा आपको पिछले चार सालों में क्यों नहीं याद आया, ये इनकी करप्शन पिछले चार सालों में क्यों नहीं याद आई, ये एहतसाब इनका चार सालों में क्यों नहीं याद आया? कराची का कचरा मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने, मेरी ये चार साल में आपको कुछ याद नहीं आया सर? वहाँ की मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है,
तो फिर आप आज आ जाकर क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बयानबाजी कर रहे हैं सर? जो तस्वीरें गटरों के ढकनों पे बनी हुई थी सर, जिम्मेदारी मलिक रियाज की भी नहीं थी? आवाम बड़ी अक्लमंद है, जिम्मेदारी मलिक रियाज साहब की भी नहीं थी जिन्होंने आगे बढ़ के वो दे दिया? तो वफाकी के ऊपर फिर ठीक इल्जाम लगता है कि आप सोते लोग जैसे सलूक करते हैं। जो है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद देखें वफाकी हुकूमत का काम ही नहीं है कराची का कचरा साफ करना। हम तो इनको तंबीह कर सकते हैं, गटरों पे ढकनों पे तस्वीरें बनती है तो वजीर आला की बनी, हमारी तो कोई तस्वीर नहीं बनी। कोकर साहब को पता है किसकी जिम्मेदारी है? कोकर साहब, रांझा साहब की मैं राय का एहतराम करता हूँ जी, अपना कचरा खुद उठाए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। गुजारिश ये है कि वो जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे थे उसके ऊपर फैक्चुअली कुछ चीजें मैं आपके और नाजरीन के मद्देनजर रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई है, इससे ना ये इनकार कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं ना चौधरी साहब इनकार कर सकते हैं। $4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। करेक्ट। अब हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, हमारी पांच बड़ी एक्सपोर्ट्स थी क्या? टेक्सटाइल, आपका राइस, आपका लेदर, आपके सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स गुड्स, ये आपकी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। अगर ये गिर गई, अगर ये गिर गई है तो इसका मतलब यह है कि इनके पीछे जितनी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी थी वो तबाह हो गई है। फैसलाबाद में इस वक्त 100 से ज्यादा टेक्सटाइल का यूनिट बंद है। फार्मर सर, आप मुझे आर्गुमेंट जरा मुकम्मल कर लेंगे? इंटरनेशनल मार्केट है। अच्छा, अब फार्मर्स की जो सूरत हाल है इस वक्त, तीन साल से जो फार्मर इस वक्त पिट रहा है उसकी तरफ इसलिए बात करते नहीं है। सर्कुलर डेट जो हमारे हमें ये किस तरीके से क्रिटिसाइज किया करते थे कि इनकी मिसमैनेजमेंट देखिए कि सर्कुलर डेट इन्होंने कहां पहुंचा दिया। आज 400 अरब रुपए पे सर्कुलर डेट फिर पहुंच चुका है। पीआईए की हालत आप देख ले, हम तो हमारी कोताही थी, हमने अवाम का फैसला तस्लीम किया, लेकिन आपका यह कहना था कि आप हुकूमत के लिए तैयार हैं, आप बेहतर हुकूमत करेंगे। बिजली तो आज भी खत्म नहीं हुई, पीआईए का कर्जा 300 अरब पे पहुंच गया, सर्कुलर डेट 400 अरब पे पहुंच गया, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई है, बैरूनी कर्जे आप दबा दब लिए जा रहे हैं, जो आप मोटरवेज अपने हिस्से में गिन रहे हैं वो तो चाइना का पैसा है। चाइना के पैसे को, चाइना जो अपने लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं उसको आप अपनी कामयाबी कैसे गिन रहे हैं? जिसे हैदराबाद और हैदराबाद से फिर सखर और सखर से फिर कराची बनी है, उसमें चाइना का सिर्फ एक दो पोर्शन है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी पैसा है भाईजान। चले पीटीआई, अब जरा बता दे सर, ये दोनों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पे बेस करते हुए अभी भी जस्ट चौधरी साहब, अभी भी ये कहा जा रहा है कि पंजाब को, अगर पंजाब में अगर पीएमएलएन को कोई टक्कर दे सकता है तो पीटीआई दे सकती है, आप बताइए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हाँ? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए अगर तो कंपेरिजन करेंगे ना, खुदा लगती बात करेंगे, तो जो 5 साल जरदारी के थे बहरहाल वो इन 4 सालों नवाज शरीफ से बेहतर थे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, वाह वाह, ये पीटीआई तो फ्रेंडली ऑपोजिशन ही बनने जा रही है। वाह भाई वाह, वाह वाकई। अब जरा बात सुन लीजिए, मैंने आर्गुमेंट तो सुने ना रांझा साहब, उनका मौकफ तो सुन, मुझे तो लगता है तहरीक इंसाफ भी बात तो सुने ना जी। चले चौधरी साहब को बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, काम नहीं की मोहसिन, बात सुने, अब बात सुने, इनकी इनकी परफॉर्मेंस का ये आलम है कि लाहौर के अंदर यानी मरीज जो है ना वो एक अस्पताल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे में जाके वैसे ही मर जाता है। पिछले 35 साल में एक अस्पताल जना हॉस्पिटल बना है, बाकी सारे अस्पताल जो है ना वो या तो वो अपनी यानी आखिरी उम्र में पहुंचे हुए हैं, या जो अस्पताल बने हैं उसमें अभी तक 20-20 साल से नाकाफी इन्होंने जो सुनते हैं वो मौजूद है। आज तक 2003 से आज तक सर्जिकल जो टावर है ना मे हॉस्पिटल का वो कंप्लीट नहीं हो सका। आज चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 MIR जो है ना मशीनें वो 7 साल से गल सड़ रही हैं। लाहौर के अंदर एक जुबली डेंटल हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट परवेज अलाई के दौर में शुरू हुआ था, वहीं का वहीं खड़ा किया हुआ है। इतने जी कोर मग्ज ये लोग हैं कि उसको ये आगे नहीं बढ़ा रहे। चौधरी साहब एक सेकंड दीजिएगा सर, चौधरी साहब आप पीपल्स पार्टी में भी सिर्फ एक सेकंड, चौधरी साहब एक सेकंड, कतई कलामी की माजरत चाहती हूं, चौधरी साहब आप पीपल्स पार्टी के ऊपर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करते हैं और आप पीएमएलएन के ऊपर भी गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करते हैं, जहां केपीके में पीटीआई के ऊपर तंकीद की जाती है जरा उसका भी जवाब दे दीजिए, जहां एहतसाब की बात की जाती है सर आपका कोई एहतसाब का हेड नहीं दिखता सर जी। केपीके की सुन लें, केपीके ने तालीम के बजट को 6 गुना किया, सुन लेना, और मैं आपको बताऊं 2,86,000 बच्चे जो है ना एवरेज एक साल के अंदर वो जो हुकूमत के स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है उसमें वापस आ गए। आपको मालूम है टीचर्स 10,000 कम थे, उसकी कमी पूरी की गई, 2 कमरों के स्कूल होते थे अब 6 कमरों के स्कूल हैं, बायोमेट्रिक के सिस्टम पे हाजिरी लगती है,
जो हाजिर नहीं होता टीचर उसकी तनख्वाह कटती है और कट के वो करोड़ों रुपए के अंदर वो उन्हीं की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हो रही है। ये तालीम में हुआ, सेहत में ये हुआ कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स जो नहीं होते थे आज 100% हाजिरी होती है, कंसल्टेंट अस्पतालों के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस, बेहतरीन पुलिस बनाई इन 3.5-4 सालों के अंदर, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया और जो बिल्कुल इत्तेफाक करता है बिल्कुल सुनानी है ना। मैं वो अच्छा एक सेकंड क्विकली आपको मालूम है ठीक है चौधरी साहब पॉइंट वेल टेकन, चौधरी साहब पॉइंट वेल टेकन सर, ये बेहतरीन प्रोग्राम है वो ठीक है। खोकर साहब का क्विक कमेंट पहले मैं सबसे कमेंट करना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक निशानदेही की, पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त 2-2 बिलियन डॉलर की ऑरेंज ट्रेन तो बना रही है लेकिन हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लॉक मंसूबे अरबों रुपए सस्ती रोटी। साहब ये तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक एक मौकफ पे आपके खिलाफ हो गए सर। देखें मैं इनको बताता हूँ, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है जी, कर्जों के अंदर पाकिस्तान डूब गया है, कितना बड़ा कर्जों में डूबा है। बंदोबस्त पीपल्स पार्टी ने किया, एक दूसरे का वालों को भी एक दूसरे का इन्होंने इत्तेसाल नहीं सर, आप पकड़ते ना बैरिस्टर साहब, आपका कहना बनता नहीं है ना सर, आप पकड़ते ना सर उनको, आप इत्तेसाब करते हैं सर। 4 साल हुकूमत ने किया कराया कुछ नहीं है इनकी, और पीछे रहेगी केपीके के बीच में पीटीआई की परफॉर्मेंस। इन्होंने सुनामी ट्री के नाम पे प्रोग्राम शुरू किया उसके में करप्शन किए, इन्होंने हेल्थ का प्रोग्राम शुरू किया दुनिया के जो ऑडिट किए साबुन दानिया तक ये बेच के खा गए, मरीजों के कंबल बेच के खा गए, वहां पे इन्होंने करप्शन की। स्कूलों का ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आपको चाहिए था पकड़ लेते कि स्कूलों में बिल्कुल सब अच्छा हो गया, आपको चाहिए नहीं था जिसमें बैठे हुए आज भी बच्चे बगैर छतों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं केपीके के अंदर, धमकियां देते हैं अस्पतालों में, मरीजों के पास बेड नहीं है, मरीज जो है वो वार्ड्स के बजाय वो बरामदों में अपनी जान दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बयान है। करप्शन का वहां पे बयान ये कर रहे हैं कि इनका अपना एहतसाब ब्यूरो का जो चेयरमैन है वो करप्शन की वजह से इनकी एहतसाब ब्यूरो को छोड़ के बैरिस्टर साहब सर जी एक सवाल आखिरी दो मिनट है ना बैरिस्टर साहब आखिरी दो मिनट है ना आपका सवाल आप टाइम किसी और को नहीं दे रही, आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर, आप लोग तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम के सर कारकुनान वर्कर्स मुंतखब नुमाइंदे हैं सर, किसने रोका था सारे इदारे मातहत ये इनकी करप्शन इनका एहतसाब करते ना सर, पकड़ते ना सर, राना मशहूद को तो पहले पकड़े, करप्शन जिसकी वीडियो मौजूद है, जब हम इनकी करप्शन पकड़ने लगते हैं तो ये कहते हैं 14 बंदे आपने मॉनिटर में सर, वो जो मर्जी कहते रहे सर, आप आवाम के आगे जवाब दें बैरिस्टर साहब, आप आवाम को जवाब दें, जो मर्जी कहते रहे सर, इनको पकड़ना चाहिए, जो इन्होंने लॉ पास कर ली है एहतसाब ब्यूरो इन्होंने बनाई थी वो बेसिकली इन्होंने कवर करना था अपनी करप्शन को, उसको लीगल कवर थे इन्होंने एहतसाब ब्यूरो के बैरिस्टर साहब, आप आवाम के आगे जवाब दें, वो जो मर्जी कहते रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहे या जो भी कहे, आपको उनको पकड़ना चाहिए था, आप आवाम के आगे जवाब दें, इन्होंने करप्शन की तो वही तो वो मसाले कायम कर दी है राजा साहब, राणा मशहूद साहब के बारे में जिक्र करना चाहिए कि मीडिया मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है इनकी, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का अपना बंदा जो है वो तोरू साहब जो थे वो छोड़ के चले गए थे, बात वाजह है सर, आप सारे की पॉलिटिकल पार्टी सब के सब मिले हुए हैं सर, कोई किसी के गिरेबान पे हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है, आखिरी साल में सबको सबकी करप्शन कराची का कचरा सब नजर आता है, सब टफ टाइम देना चाहते हैं बस आखिरी साल में। प्रोडक्टिव बात करें, प्रोडक्टिव बात यह है कि इस वक्त मुल्क में एहतसाब का निजाम खत्म हो चुका है, एहतसाब का निजाम इंपार्शियल न्यूट्रल एक हमें उसकी जरूरत है जो अक्रॉस द बोर्ड सर, लेकिन आप लोग भी इफ्तिखार चौधरी फोबिया से ना बाहर निकल आए, नहीं लेकिन इफ्तिखार चौधरी वाला एहतसाब ना हो, आपके निजाम की बात कर रहे हैं ठीक है बच्चे साहब जी, मैं एहतसाब के निजाम पे बताता हूँ, हम कानून पास करने लगे हैं जिसमें बहुत जल्द हम चौधरी साहब जल्दी सर के बीच में तमाम मैं देखें 5 साल पीपल्स पार्टी ने किसी का एहतसाब नहीं किया, 4 साल नून लीग की हुकूमत ने किसी का एहतसाब नहीं किया, तहरीके इंसाफ ने नून लीग को पकड़ के अदालत के अंदर पेश कर दिया है। और यही सारा आपका प्राइम पैमाना क्राइटेरिया और इसी पर आप वोट मांग रहे हैं, बाहर कैफ जी सूरत हाल जल्द वाजे हो जाएगी, आवाम को सारे मिलकर मामू बना रहे हैं, आवाम ने अपना वोट बड़ी होशमंदी दानिशमंदी और होशियारी के साथ इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, तमाम पैनल्स का शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।